पंजाब में खालिस्तानी आतंकी साजिश का खुलासा, महिला नर्स समेत दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। लुधियाना में नर्स और होशियारपुर में ड्राइवर गिरफ्तार, कुछ हिंदू नेता थे टारगेट, विदेशों से मिल रहा था फंड। हैदराबाद में ट्रेन एक्सीडेंट का आया सीसीटीवी फुटेज, आमने सामने से टकराती दिखी दोनों ट्रेन, कल हुआ था हादसा। दिल्ली में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर, AQI ज्यादा इलाकों में 500 के पार। नोएडा में भी प्रदूषण काफी बढ़ा, हवा की क्वालिटी का स्तर 700 से पार, गुरुग्राम में दिखी स्मॉग की चादर। महाराष्ट्र में ऑपरेशन सरकार का नया चैप्टर शुरू, शिवसेना के बाद एनसीपी को आया राजभवन से बुलावा। आज 8:30 बजे तक एनसीपी को पेश करना होगा सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल से मिले एनसीपी नेता अजीत पवार। हमें आज बुलाया है, हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। शिवसेना नेताओं से राज्यपाल ने की थी मुलाकात, 2 दिन की मोहलत पर मांग जो की गई थी उससे हुई, उसकी हुई नामंजूरी। ज्यादा वक्त नहीं मिलने के बावजूद शिवसेना अभी मैदान में, आदित्य ठाकरे बोले सरकार बनाने का दावा बरकरार। शिवसेना के दावे पर राजभवन से जारी किया गया बयान, कहा शिवसेना नहीं सौंप पाई समर्थन की चिट्ठी। बीती रात मातोश्री में हुई शिवसेना नेताओं की बैठक, उद्धव आदित्य के साथ दिग्गज नेता रहे मौजूद। शिवसेना के समर्थन के मुद्दे पर असमंजस में कांग्रेस, आज एनसीपी नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक। महाराष्ट्र के मुद्दे पर दिल्ली में आज सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे और पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्यपाल से मिले वक्त को बताया पर्याप्त। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा एनसीपी शिवसेना के साथ सरकार बनाने को है तैयार, कांग्रेस अब तक नहीं बना सकी राय। शरद पवार ने कहा शिवसेना संघ सरकार बनाने के मुद्दे पर एनसीपी खुद भी कांग्रेस विधायकों के संपर्क में। अजीत पवार ने कहा कांग्रेस एनसीपी की आज की बैठक में शिवसेना को समर्थन पर होगा विचार। सरकार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता माणिक राव ठाकरे का बयान, ना हमने ना एनसीपी ने किया समर्थन का फैसला। उद्धव ठाकरे ने फोन पर बात करके सोनिया गांधी से मांगा समर्थन, कांग्रेस अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के विधायकों से की रायशुमारी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने होटल रिट्रीट जाकर शिवसेना विधायकों से की मुलाकात। महाराष्ट्र में समर्थन पर बची खींचतान के बीच एनडीए से अलग हुई शिवसेना, मोदी सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री अरविंद सावंत ने पद से दिया इस्तीफा। सत्ता की कश्मकश के बीच बीजेपी चौकन्नी, कोर कमेटी की बैठक के बाद बयान, वेट एंड वॉच की पॉलिसी। पृथ्वीराज चव्हाण ने दी जानकारी, जयपुर में ठहरे महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दिल्ली में बैठक के बाद वापस जयपुर लौटे। जयपुर में रहे महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया डिनर, राजस्थान के मंत्री हुए शामिल। सीएम गहलोत के आवास पर भोजन के लिए पहुंचे महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों में दिखा नहीं उत्साह, मायूस आए नजर, डिनर के बाद रिजॉर्ट वापस लौटे। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। बागपत में ढोल बजाकर हथियारों को किया भगोड़ा घोषित, प्रधान को घर में घुसकर गोली मारने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में महिला को 18वीं मंजिल से फेंकने के मामले में खुलासा, वैध संबंध के पर्दाफाश होने की वजह से युवक ने महिला को बनाया शिकार। भदोही में पारिवारिक विवाद में लेखपाल ने चाची और 2 बहनों को तेजाब से जलाया, आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में कांस्टेबल ने गोली मारकर की खुदकुशी, बहन के प्रेमी के साथ फरार होने पर रहता था परेशान। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद गाजियाबाद में बढ़ाई गई सुरक्षा, रेलवे और बस स्टैंड के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ी चौकसी। मेरठ में 2 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम, बड़े भाइयों की सजगता से पकड़ा गया बच्चा चोर। नोएडा पुलिस ने 2 तस्करों के साथ शराब की खेप पकड़ी, बिहार सप्लाई करने की साजिश का पर्दाफाश। लखीमपुर खीरी में दूल्हे को नशे में झूमता देख दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बैरंग लौटी बारात। बुलंदशहर में सड़क किनारे खड़ी ट्रक को पीछे से कार ने मारी टक्कर, कार सवार 4 की मौत। एटा में चेंबर को लेकर घमासान, वकीलों ने नगर पालिका की गाड़ियों में की तोड़फोड़। कानपुर में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद वकीलों ने कांस्टेबल की बुरी तरह से की पिटाई। पटना में नशे के इंजेक्शन के साथ धरा गया तस्कर, पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। दरभंगा में गड्ढे में गिरी शराब से भरी कार, शराब की मची लूट, कार मालिक फरार। सीतामढ़ी में बिजली कटौती को लेकर बवाल, पुलिस के सामने उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हिट एंड रन मामला, अज्ञात वाहन में इको वैन को मारी टक्कर, 3 महिलाओं समेत 5 की मौत, 8 घायल। मेरठ में बरातियों को बेकाबू कार ने रौंदा, 2 महिलाएं और 1 व्यक्ति की मौके पर मौत। मेरठ में रफ्तार का कहर, असंतुलित होकर पेड़ से टकराई बाइक, हादसे में 2 की मौत। 12 में राजस्थान रोडवेज की बस डिवाइडर से टकराकर गड्ढे में गिरी, 12 यात्री घायल। अंबाला में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार, 1 महिला की मौत, 30 से 35 लोग घायल। सागर में 2 ट्रकों की टक्कर, 1 ट्रक में लगी 11 भैंसे लापता, पशुओं की तलाश में जुटी पुलिस। शिवपुरी की दूरसंचार कॉलोनी में निकला मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू।
सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी, 9 नक्सली मुख्यधारा में शामिल। सुकमा में एक हफ्ते से गायब ग्राम प्रधान का मिला शव, नक्सलियों ने मुखबरी के शक में बनाया शिकार। दिल्ली के नरेला में व्यापारियों ने फैक्ट्री में जड़ा ताला, नियमों और टैक्स के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एनएसयूआई छात्रों का जबरदस्त विरोध, डीयू परिसर में प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने पर उबाल। दिल्ली के वकीलों की हड़ताल जारी, पुलिस के साथ तनाव खत्म करने के लिए हुई बैठक, बेनतीजा। पुलिस और वकीलों के बीच 30,000 कोर्ट विवाद में आया नया वीडियो, आगजनी और पत्थरबाजी करते नजर आए वकील। दिल्ली के नरेला इलाके में टैंकर की चपेट में आने से 2 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली सटे फरीदाबाद में युवक की पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को लेकर एलजी की बैठक, पीएम उदय योजना के तहत घर देने को लेकर माथापच्ची। तरन तारण में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ड्रग्स के साथ युवक को पकड़ा, 50,000 नशे की गोलियां बरामद। तरन तारण में पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों की धरपकड़ तेज, हर जिले में टीम बनाकर कार्रवाई, 400 से ज्यादा मामले दर्ज। लुधियाना में एम्बुलेंस से ड्रग्स की तस्करी का खुलासा, पुलिस जांच में जुटी। संगरूर में फिर लगे सिद्धू और पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान के पोस्टर, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने को बताया असली हीरो। अंबाला में बीजेपी नेता अनिल विज का सिद्धू पर हमला, कहा पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाया। गुरुग्राम में नगर निगम के मैरिज हॉल पर लग जड़ा ताला, शादी के सीजन में हॉल बंद होने से लोगों में हड़कंप। हरियाणा के गोहना में पार्षद के बेटे की बेरहमी से पिटाई, घर से बुलाकर युवकों ने की धुनाई। असम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का विरोध। जेएनयू यूनिवर्सिटी में बड़ी फीस को लेकर जबरदस्त बवाल, हजारों छात्रों का कैंपस प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों से भिड़त, दोनों के बीच हाथापाई की खबर। जेएनयू के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सामने प्रदर्शन की कोशिश, छात्रों को घसीट कर ले गई पुलिस। हॉस्टल फीस बढ़ोतरी और ड्रेस कोड के खिलाफ स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, पिछले 15 दिन से हड़ताल पर छात्र। जेएनयू के हॉस्टल की फीस 3,000 फीसदी तक बढ़ी, अब छात्रों को देने होंगे 20 की जगह 600 रुपए, लगेगा 1,700 रुपए सर्विस चार्ज। अयोध्या फैसले का बयान को लेकर असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज, भड़काने का आरोप। मेरठ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, गद्दारी की बातें ना करें ओवैसी, कानून करेगा अपना काम। साक्षी महाराज ने मोदी सरकार के अगली रणनीति का किया खुलासा, बोले अगला टारगेट हम दो हमारे दो। अयोध्या में हनुमानगढ़ी महंत की मांग, बोले जब तक भव्य मंदिर नहीं बन रहा तब तक अस्थायी मंदिर हो तैयार। मुंबई में घर लौटी लता मंगेशकर, सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती थी। डीएमआरसी की बोर्ड मीटिंग में दिल्ली सरकार के नुमाइंदों को बुलाने पर भड़के मंत्री कैलाश गहलोत, कहा डीएमआरसी का फैसला मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं। संजय करोल बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यपाल राजभवन में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। चार्टर प्लेन में तेजस्वी यादव ने मनाया जन्मदिन, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। जेडीयू का तंज, पिता जेल में और बेटे का बेशर्म जश्न, आरजेडी का पलटवार, सत्ता पक्ष का हुआ तेजस्वी फोबिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्राइमरी स्कूल के अंदर बार बालाओं के अश्लील डांस पर बवाल। अल्मोड़ा में मेले के दौरान मौत के कुएं में हादसे का शिकार हुआ बाइक सवार, लगी गंभीर चोटें। यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी तेज रफ्तार फॉर्चुनर, कानपुर देहात के विधायक विनोद कटियार समेत 3 लोग घायल। मंदसौर के नाहरगढ़ में दलित युवक के शव के साथ लोगों ने थाने में किया हंगामा, लोगों के मुताबिक पुलिस ने पकड़ा था युवक, ने घर जाकर लगाई फांसी। सिलीगुड़ी में पुलिस ने कंचनजंगा एक्सप्रेस में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, $1,38,000 बरामद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, 1 शख्स घायल। पहलगाम में बर्फबारी, सैलानी ने जमकर मौज मस्ती की। रोहतांग दर्रे में साफ किया जा रहा है रास्ता, मनाली ले रोड से हटाई जा रही है बर्फ। बर्फबारी और बढ़ती ठंड के साथ शिमला में सजा तिब्बती बाजार, गर्म कपड़ों की बढ़ी खरीदारी। उड़ीसा में सीएम ने की सूरज के नाम पर सालाना पुरस्कार की घोषणा, सूरज के ब्रेन डेड बेटे के 6 अंगों को दान कर पेश की थी नजीर। विशाखापट्टनम में कमल का फूल तोड़ रहे 2 श्रद्धालु डूबे, अब तक लापता। उड़ीसा के मयूरभंज में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, 100 एकड़ धान की फसल बर्बाद। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में बुलबुल तूफान का टूटा कहर, सैकड़ों घर तबाह। विजयवाड़ा में घर के करीब मृत मिली लापता मासूम 7 साल की बच्ची की हत्या की आशंका। हरियाणा की गोहाना में एक स्कूटी सवार 28,000 रुपए का चालान कटा, घर से कागजात लाने की पुलिस से नहीं मानी बात। राम मंदिर पर फैसले के बाद कानपुर में अब तक 12 लोग गिरफ्तार, सोशल मीडिया में भड़काऊ टिप्पणी का आरोप, आईजी खुद तलाशी अभियान में जुटे। ग्वालियर में गोली मारकर युवक की हत्या, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। अलीगढ़ में महिला ने 3 तलाक की दर्ज कराई शिकायत, दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। अलीगढ़ में ट्रांसफॉर्मर में लगी आग ने चिकन शॉप को घेरे में लिया, लोगों ने भागकर बचाई जान। दिल्ली में 22 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट से फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया दिल, करीब 20 मिनट का लगा वक्त। बर्दवान में 20 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, बच्चा चोरी के आरोप में 2 लोगों को पीट कर दी थी सजा।